जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे कुछ बड़े खुलासे कर रही थी। इसके साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि कभी उन्होंने इस बात को लेकर नहीं कहा कि सुशांत की जान ली गई है या किसी और ने ली है, कभी उस शख्स को लेकर खुलासा नहीं किया था, ये क्लियर कर दिया था अंकिता लोखंडे ने। लेकिन अंकिता लोखंडे पर भी लगातार निशाना साधा गया था क्योंकि वो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड जो रह चुकी थी। बता दें दोस्तों, ऐसे में फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिवानी डांडेकर ने एक पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने लिखा कि अंकिता लोखंडे इस मामले में रिया चक्रवर्ती को टारगेट करके 2 सेकंड का फेम पाना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने जब ये बात कही तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे के दिल पर घाव कर गई और अंकिता लोखंडे जवाब दिए बिना नहीं रह सकी। अंकिता लोखंडे ने इतने साफ लहजे में इसका जवाब दिया है कि लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अंकिता ने लिखा कि 2 सेकंड की लोकप्रियता, इस मुहावरे ने आज मुझे सोच में डाल दिया है। वो कहती हैं कि मैंने टेलीविज़न इंडस्ट्रीज में जी सिने स्टार की खोज शो से साल 2004 में कदम रखा था, लेकिन मेरा असली सफ़र 2009 में पवित्र रिश्ता के साथ शुरू हुआ जो 2014 तक चला। मैं इसके साथ अन्याय करूंगी अगर मैं ये नहीं बताऊंगी कि शो हाईएस्ट टीआरपी के साथ 6 सालों तक बेस्ट शो रहा था। इसके साथ ही पॉपुलर और प्यार दोनों मिला था इस शो के साथ साथ, जो एक एक्टर से जनता से प्राप्त होना चाहिए। दर्शकों के साथ मैं अभी भी अर्चना कैरेक्टर से खुद को जुड़ा पाती हूं क्योंकि फैंस जब भी मुझसे टकराते हैं तो मुझे अंकिता के नाम से कम बल्कि अर्चना के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अंकिता लोखंडे यहीं चुप नहीं रही बल्कि उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि सौभाग्य से मुझे मणिकर्णिका और बागी 3 फिल्म में काम करने का मौका मिला। इन्हें शामिल करते हुए कहती हैं कि मैं टेलीविज़न और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज दोनों के अगर कुल सालों को मिलाऊं तो पिछले 17 सालों से एक्टर हूं, और अब जब मैं अपने दोस्त सुशांत के लिए न्याय का समर्थन कर रही हूं तो मेरे लिए एक विचार व्यक्त किया गया है कि मैं न्याय की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे 2 सेकंड की फेम और सस्ता प्रचार चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने टेलीविज़न से ज़्यादा काम किया है, बॉलीवुड में नहीं। तो शिवानी डांडेकर की चुप्पी साधने को मजबूर कर दिया था अंकिता लोखंडे के इस बयान ने। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।